हेलो गाइस, दिस इज अजय। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज ना हम काफी दिनों के बाद भाई चाइनीज फूड खाने वाले हैं। खुशी आपको चेहरे पे दिखी रही होगी, तो देखते हैं भाई ये कैसा होता है। तो लेते हैं खाने के मजे भी अजय, और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्वैग से, पेप्सी के साथ। तो गाइज आज मैंने तीन टाइप के मोमोज मंगा रखे हैं। तो सबसे पहले खाते हैं भाई चिली मोमोज चिकन, बहुत बेहतरीन लग रहे हैं दिखने में। ये देखिए क्या बेहतरीन लग रहा है भाई दिखने में, पानी आ गया मुंह में। भाई इस रेस्टोरेंट की तारीफ ना काफी सुन रही थी, और आज पता चल रहा है क्यों सुन रही थी। अल्टीमेट भाई, एक नंबर हो रहे थे मोमोज, कसम से दिल खुश हो गया पहले ही चीज ट्राई करके। तो अब ट्राई करते हैं इनके पनीर मोमोज। ये देखिए कुछ ऐसे हैं दिखने में, एक बार बिना चटनी के ट्राई करते हैं। जूसी हो रहा है भाई, ऐसा नहीं है कि ड्राई होगा। ये देखिए भाई अंदर से बिल्कुल जूसी जूसी सा लग रहा है। पनीर के अलावा प्याज की फिलिंग भी है इसके अंदर। ये देखिए चटनी के साथ क्या बेहतरीन लग रहा है। मजेदार भाई, मन नहीं कर रहा रुकने का। पता है पनीर मोमो सोच के ना मैं थोड़ा डाउट में था कि पनीर मंगाओ या वेज मंगाओ, क्योंकि पनीर मोमोज में ना मोस्टली पनीर भर के उससे थोड़ा ड्राई बना देते हैं। भाई एक नंबर पनीर मोमोज आए हैं। अब ट्राई करते हैं इनका वेज स्प्रिंग रोल, आज थोड़ा जल्दी जल्दी खा रहे हैं। देखो जो फिलिंग करी है ना उसका तो टेस्ट बढ़िया आ रहा है, बट आउटर लेयर इसकी सॉगी हो चुकी है। टेस्ट ओवरऑल अच्छा है। भाई कसम से बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, सारी की सारी चीजें अब तक की बढ़िया हो रही थी। तो अब ट्राई करते हैं इनके चिकन कोथे मोमोज। ये देखिए ऊपर से कुछ ऐसा है, और बैक साइड से इसका बेस देखिए फ्राइड रहता है। चिकन कोथे मोमोज हैं। आय हाय पाजी, स्वाद आ गया। एकदम जूसी हो रहा है भाई अंदर से। और पता है भाई क्या खास बात है, ये चटनी इतनी अल्टीमेट हो रही है ना, ना इसमें ज्यादा मिर्ची है, बहुत गजब फ्लेवर आ रहा है इसमें से। एक नंबर। और गाइस आज ना अपने कुछ हेल्थ इश्यूज मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो अभी स्टार्टिंग में नहीं करूंगा, एंड में ही करूंगा, क्योंकि फिर मजा खराब हो जाएगा वीडियो का। सो गाइस आप खाते हैं इनका व्हाइट सॉस चिकन पास्ता, इतना बेहतरीन लग रहा है ना ये दिखने में। भाई कसम से आज का खाना दिखने में बहुत ज्यादा अल्टीमेट लग रहा है। Hmm.
अल्टीमेट। पता है रेस्टोरेंट किसने रेकमेंड किया है भाई? अभी रिसेंटली ना अनिका गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ इस कैफ़े में, और ना अनिका बहुत तारीफ़ कर रही थी भाई इनकी। तब से मैं सोच रहा था यहाँ का खाना खाने की, और कसम से भाई ये तारीफ़ के पूरे काबिल है। अनिका मानना पड़ेगा तेरी पसंद बहुत अच्छी है, एक तो मैं ऊपर से खाना। सबर नहीं हो रहा है अनिका से कुछ बोलना चाह रही है क्या? गाइस ये देखिए चिकन भी अच्छे से डाला हुआ है भाई, और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, मतलब प्रॉपर बैलेंस फ्लेवर आ रहा है वो क्रीम का और वो सॉस का। पता है आज क्या हो रहा है? और दिन ना मैं रुक जाया करता था, आज मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा है भाई। मैं कोई भी आइटम खा रहा हूँ ना, मन कर रहा है निपटा दूँ भाई। मजा आ गया भाई। सो गाइस ये है इनका क्रिस्पी चिकन बर्गर, थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं इसका। भाई ऐसा कुछ है, मैंने तो KFC जैसी पैटी एक्सपेक्ट करी थी, बट ये थोड़ी अलग है। और बाकी इसमें टमाटो अनियन और इनकी सॉस लगी है, टेस्ट देखते हैं भाई। वैसे सच बताऊं लुक्स में तो मुझे इतना खास नहीं लगा है, क्योंकि मैंने KFC वाला एक्सपेक्ट कर रखा था। एक बाइट और लेता हूँ फिर बताता हूँ। ऐसा बर्गर मैंने टेस्ट नहीं किया है, ऐसा नहीं बोलूँगा बुरा है, और ऐसा भी नहीं बोलूँगा अच्छा है। मिड में कहीं लाया कर रहा है बर्गर, डिसेंट टेस्ट है, मतलब ठीक ठीक है। क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट कुछ और करा था ना, क्रिस्पी फ्राइड चिकन बर्गर, क्रिस्पी नहीं है। सो गाइज अब खाते हैं इनके चिली गार्लिक नूडल्स और चिली चिकन, देखते हैं भाई कैसा होता है। एक्सपेक्टेशंस तो हाई है। ये देखिए भाई ऐसी कुछ नूडल्स है, पहली बाइट में जो गार्लिक का फ्लेवर आया ना, बेहतरीन चिली चिकन टेस्ट करते हैं यार। ये ना मेरे को ड्राई मंगाना चाहिए था। ये तो मंचूरियन जैसा ज्यादा लग रहा है मेरे को। मज़ेदार नहीं है चिली चिकन। क्या यार अनिका कैसा रेस्टोरेंट चूज़ किया तूने, अच्छा भी नहीं हो रहा चिली चिकन। मतलब थोड़ा फीका सा टेस्ट आ रहा है मेरे को चिली चिकन में। मज़ेदार भाई। सो भाई शाउट आउट का टाइम आ चुका है। मेरी लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट था इनका, बाकी जो बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पर डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइज अपने प्यार और सपोर्ट के लिए। अब हमारी फैमिली 12,000 सब्सक्राइबर की हो गई है, तो जिन लोगों ने भी भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और खाते हैं भाई चिकन कोथे।
अरे यार, इन्होंने गार्लिक ब्रेड भी दे रखी थी, बट ये नॉर्मल ब्रेड जैसी ही लग रही है भाई। अतः ज़्यादा क्रंची भी नहीं है। सुबह ऑमलेट बना के खाऊंगा इसके साथ। ये देखिए, ऐसी कुछ फीलिंग है भाई इसके अंदर। चटनी बहुत कम दी यार उन्होंने। गजब। मेरी मम्मी को भी ये पनीर मोमो पसंद आया, कह रही थी एक दिन पनीर मोमो बनाएंगे घर में। पहले मोमोज ही निपटा लेते ना, चिली मोमोज। परफेक्ट भाई। सो गाइज, अब बात करते हैं मेरी हेल्थ की। तो आप में से कुछ लोगों ने वो नोटिस किया है कि एंड में खाना खाते हुए ना मेरी ब्रीदिंग थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो पहले तो मैंने भी भाई नोट नहीं किया, बट आप लोगों के बोलने के बाद ही मैंने नोटिस किया। तो हाँ, ये हो रहा है। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया ना, तो उन्होंने बताया कि मेरे नाक में इस साइड की हड्डी बढ़ रखी है। तो अभी तो फ़िलहाल उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है। तो इसके बाद उन्होंने बोला है कि कुछ दिन बाद टेस्ट होगा और मे बी मुझे ये थोड़ा ऑपरेट कराना पड़े यहाँ से। वैसे तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस खाना खाते हुए जब लोड पड़ता है ना, तो तब जाके मेरी ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है। नॉर्मली मेरी नॉर्मल रहता है। तो गाइज, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बस यार, ऑपरेट ना कराना पड़े, मुझे डर लगता है थोड़ा। तो अब बर्गर खाते हैं। अब अजीब सा हो गया, बताए, बर्गर नहीं मेरा मूड। चिकन गार्लिक नूडल बच चुकी है।